दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब लोग? मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी, और आज आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आप सभी को बकरीद ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम एक विषय पर बात करेंगे दोस्तों। इस अवसर पर मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ और आपका स्वागत वेलकम करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज जो है एक टेस्ट के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा, और वो टेस्ट है LFT, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट किसे कहते हैं, क्या है? इसमें तीन चार कंटेंट होते हैं फ्रेंड्स। एक तो इसमें होता है सीरम बिलिरुबिन, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। फिर होता है इसमें SGOT, SGPT और फॉस्फेट। दोस्तों, इसमें सब में इम्पॉर्टेंट कंटेंट जैसा है वो सीरम बिलिरुबिन है, ये मैं मानता हूँ फ्रेंड्स। बट दूसरे जो इसमें कुछ पार्ट्स हैं दोस्तों, जैसे कि SGOT, SGPT और अल्कलाइन फॉस्फेट, इसका भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स। तो इसको हम जो है निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सीरम बिलिरुबिन की नॉर्मल रेंज के बारे में मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, कि नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम बिलिरुबिन इज़ अराउंड 1। अगर इससे ज़्यादा कभी कोई सीरम बिलिरुबिन का रेंज बढ़ता है तो डेफिनेटली हेपेटाइटिस सी या जॉन्डिस के प्रॉब्लम हो सकते हैं, लीवर पे इन्फेक्शन हो सकता है, हेपेटोमेगैली हो सकता है, लीवर सिरोसिस में भी सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है फ्रेंड्स। तो ये हमें ध्यान रखना है फ्रेंड्स। फिर कोई इन्फेक्शन है, डेंगू इन्फेक्शन है, मलेरियल इन्फेक्शन है, तो ऐसे इन्फेक्शंस में भी जो लीवर हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फासाइटिस, और पेट में जब पानी भरता है, या अल्कोहल लीवर सिरोसिस हो, ऐसे कंडीशंस में दोस्तों सीरम बिलिरुबिन बढ़ सकता है। सीरम बिलिरुबिन बढ़ने के और बहुत से कारण या रीज़न हो सकते हैं दोस्तों, उस हिसाब से जो है हमें उसे डायग्नोस करना पड़ता है। हमें सीरम बिलिरुबिन या LFT करने के लिए ब्लड लेना पड़ता है फ्रेंड्स, और ये ब्लड को जो है हम एनालाइज़र के ऊपर चेक करते हैं फ्रेंड्स। अब ये ब्लड में हम जैसा सीरम बिलिरुबिन चेक करते हैं, उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी हम चेक करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, वो जॉन्डिस में होता है। जॉन्डिस में इस वजह से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का भी वहाँ पे ध्यान रखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा, इसमें SGOT और SGPT का भी इम्पोर्टेंस है फ्रेंड्स, क्योंकि जब डेंगू मलेरिया अगर होता है तो उसमें SGOT और SGPT का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस होता है, वो थोड़ा रेस होकर आता है फ्रेंड्स। उसमें भी हेपेटोमेगैली या एसाइटिस के कंडीशंस या फ्लूड रिटेंशन के कंडीशंस पड़ते हैं। तो इस हिसाब से हमें ये LFT का बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और आजकल डेंगू के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उस हिसाब से LFT हमें करके लेना चाहिए। और अल्कोहल पीने वाला अगर कोई बंदा है तो उसका भी LFT करके लेना चाहिए। इस हिसाब से हमें LFT का रूल आउट करना है और उसका डायग्नोसिस करके उसके ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है फ्रेंड्स। बहुत से लोग लीवर पे इन्फेक्शन होने के बाद अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, बट सही प्रकार का ट्रीटमेंट लीजिए, सही अच्छी सलाह लीजिए दोस्तों, और अपने लीवर का ख्याल रखें। लीवर को हम जो है बॉडी की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि उससे जो है 500 वर्क होते हैं, इसलिए जो है लीवर का हमें बहुत ख्याल रखना है दोस्तों। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और ये रीडिंग्स आप अपने ध्यान में रखिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अली अनवर कुरैशी। थैंक यू वेरी मच।